आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और इसमें कोई शक नहीं कि आज आईपीएल विश्व का सबसे बड़ा लीग बन चुका है। तो आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े लीग आईपीएल में बने कुछ रिकॉर्ड्स की, जिनका टूटना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले नंबर पर रखते हैं सबसे तेज हाफ सेंचुरी की, तो ये रिकॉर्ड है केएल राहुल के पास, जिन्होंने किंग इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध 8 अप्रैल 2018 को मात्र 14 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया था। दूसरे नंबर पर रखते हैं सबसे तेज सेंचुरी की, ये रिकॉर्ड वेस्टइंडीज़ के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल के पास है, जिन्होंने 23 अप्रैल 2013 को आरसीबी की तरफ से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया के विरुद्ध मात्र 30 गेंदों में अपना सेंचुरी पूरा किया था। तीसरे नंबर पर रखते हैं एक प्लेयर द्वारा बनाए गए सबसे बड़ा स्कोर, ये रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के पास है। जब इन्होंने 30 गेंदों में सेंचुरी जड़ा था तब टोटल 66 गेंदों का सामना करते हुए 175 रनों की नॉटआउट पारी खेला था। इतना बड़ा स्कोर तो कभी कभी आईपीएल के आधे से ज़्यादा मैचों में पूरी टीम का टोटल स्कोर नहीं हो पाता है। चौथे नंबर पर रखते हैं किसी टीम द्वारा बनाए गए हाईएस्ट टोटल स्कोर की, ये रिकॉर्ड आरसीबी टीम के पास है। ये वही मैच है जब क्रिस गेल ने 175 रन मारे थे, तब पूरी टीम 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर टोटल 263 रन बनाए थे। जवाब में पुणे वॉरियर्स इंडिया की टीम 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 133 रन ही बना पाई। पाँचवें नंबर पर रखते हैं एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की, और यह रिकॉर्ड है आरसीबी के कप्तान विराट कोहली के पास। आईपीएल के 9वें सीजन यानी 2016 में विराट कोहली ने 16 मैचों में टोटल 973 रन बनाए थे और इस सीजन में 4 सेंचुरी प्लस 7 हाफ सेंचुरी भी लगाए थे। छठे नंबर पर रखते हैं एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की, और ये रिकॉर्ड है डीजे ब्रावो के पास। आईपीएल के छठे सीजन यानी 2013 में ब्रावो ने सीएसके के लिए 18 मैचों में टोटल 32 विकेट लिए थे और ये रिकॉर्ड अभी तक कायम है। सातवें नंबर पर है आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर्स की, ये रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के पास है। इन्होंने आईपीएल के 5वें सीजन यानी 2012 में आरसीबी के लिए खेलते हुए 59 छक्के जड़े थे। आठवें नंबर पर है एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की, और यह रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के पास ही है। 8 मई 2011 को आरसीबी के लिए खेलते हुए कोची टस्कर्स केरला के विरुद्ध प्रशांत परमेश्वरन के एक ओवर में 36 रन बनाए थे, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके लगाए थे। एक छक्का नो बॉल पर भी मारा था। 9वें नंबर पर है आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी पार्टनरशिप की, तो ये रिकॉर्ड है आरसीबी के दो प्लेयर्स विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के नाम। इन दोनों ने 14 मई 2016 को गुजरात लायंस के विरुद्ध 96 गेंदों का सामना करते हुए 229 रनों का पार्टनरशिप किया था। 10वें नंबर पर जो रिकॉर्ड है वो है बेस्ट बॉलिंग फिगर, और ये रिकॉर्ड अलजरी जोसेफ के नाम है। 6 अप्रैल 2019 को मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध 3.4 ओवरों में 12 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। और 11वें नंबर पर है सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली टीम, और ये रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के नाम है। आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने किंग इलेवन पंजाब के द्वारा दिए गए 223 रनों के टारगेट को 19.4 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया था। ये अब तक का सबसे बड़ा टारगेट चेज है। ये है वो 11 रिकॉर्ड्स जिसे तोड़ना सपने देखना जैसा होगा। वैसे तो रिकॉर्ड्स बनते ही हैं टूटने के लिए। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा रिकॉर्ड सबसे पहले टूटेगा और कौन सा रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना।